हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 पर विचार करेंगे। अर्जुन वाच किम तन् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। तो यहाँ पर अर्जुन वाच यानी अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, किम तद ब्रह्म कि वो ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम अध्यात्म क्या है, किम कर्म कर्म क्या है, पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिभूत किसे कहा जाता है, अधिदेवम किम उच्यते अधिदेव किसे कहा जाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछते हैं जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ ये होता है कि वे ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण समझकर पूछ रहे थे जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले अध्याय के अंतिम दो श्लोकों में श्री कृष्ण ने 7 बातें बतलाईं। पहली बात तो ये बतलाई कि जो लोग श्री कृष्ण के आश्रय में भजन करते हैं वे परम ब्रह्म को जान लेते हैं। फिर दूसरी बात ये बतलाई कि वे लोग संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं। फिर तीसरी बात ये बतलाई कि वे लोग समस्त कर्म को जान लेते हैं। फिर चौथी बात ये बतलाई कि वे लोग श्री कृष्ण को अधिभूत के रूप में जान लेते हैं। फिर पांचवी बात ये बताई कि वे लोग श्री कृष्ण को अधिदेव के रूप में जान लेते हैं। फिर छठवीं बात ये बताई कि वे श्री कृष्ण को अधियज्ञ के रूप में जान लेते हैं। फिर सातवीं बात ये बतलाई कि वे श्री कृष्ण को जीवन के अंत में भी जान पाते हैं। उस समय अर्जुन के मन में इन सातों बातों के विषय में संशय उत्पन्न हुए तथा अर्जुन ने श्री कृष्ण से इस अध्याय के प्रथम दो श्लोकों में 7 प्रश्न किए। उन 7 प्रश्नों में से अर्जुन ने 5 प्रश्न इस श्लोक में किए हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। हम अब पहला प्रश्न क्या है अर्जुन का, श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं किम तद् ब्रह्म, अर्थात वो ब्रह्म क्या है। अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ क्योंकि ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है निराकार चेतन शक्ति जिससे संसार की सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ है वेद, वेदों के जितने मंत्र हैं वे सभी श्री कृष्ण की श्वास से उत्पन्न हुए हैं तथा गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ही जाना जाता है। ब्रह्म का तीसरा अर्थ है अध्यात्म विद्या, गीता 10:32 में श्री कृष्ण ने कहा है कि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्री कृष्ण की विभूति है। इस विद्या के द्वारा व्यक्ति अपने आप को शरीर से ऊपर उठाता है तथा विचार करता है कि उसे किस प्रकार इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होना है। तो यहाँ पर अर्जुन जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो बात कही कि जो भक्त उनके आश्रित होकर उनका भजन करते हैं वे ब्रह्म को जान लेते हैं, तो वह ब्रह्म क्या है। अब दूसरा प्रश्न श्लोक के अगले शब्द हैं किम अध्यात्मम, अर्थात अध्यात्म क्या है। अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ क्योंकि अध्यात्म शब्द के दो अर्थ हैं। अध्यात्म शब्द का एक अर्थ है जीवात्मा, श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में जो प्रारंभिक ज्ञान दिया है वो जीवात्मा के संबंध में है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आजकल की शिक्षा में ये ज्ञान नहीं दिया जाता है। गीता के ज्ञान का स्तर आजकल की शिक्षा से बहुत ऊपर है क्योंकि गीता में प्रारंभिक शिक्षा अध्यात्म से ही संबंधित है।
अध्यात्म शब्द का दूसरा अर्थ है शरीर। ये भौतिक शरीर जीवात्मा का एक ऐसा आवरण है जो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, परंतु जीवात्मा नहीं बदलता है। तो यहाँ पर अर्जुन जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो बात कही कि जो भक्त उनके आश्रित होकर उनका भजन करते हैं वे अध्यात्म को जान लेते हैं, तो वह अध्यात्म क्या है। तब तीसरा प्रश्न इस श्लोक के अगले शब्द हैं, किम कर्म पुरुष उत्तम, अर्थात हे परम पुरुष वो कर्म क्या है। अर्जुन के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ क्योंकि कर्म के अनेक अर्थ हैं। कर्म शब्द का पहला अर्थ है कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न उठता है कि यदि उसे मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो उसका मनुष्य जीवन में क्या कर्तव्य है। कर्म का दूसरा अर्थ है वेदों में कहे गए सकाम कर्म। गीता 2:42-43 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अल्पज्ञानी लोग वेदों में कहे गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं। इन सकाम कर्मों को करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा स्वर्ग में इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सकाम कर्मों के द्वारा वे स्वर्ग में जाते हैं तथा अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। कर्म का तीसरा अर्थ है कृष्ण भावना भावित कर्म। जिस समय व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करता है उस समय उसे ना तो पुण्यों का तथा ना ही पापों का बंधन होता है। ऐसे कर्म करके व्यक्ति जन्म के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर अर्जुन जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के आश्रित भक्त उनका भजन करते हुए जिस कर्म को जान लेते हैं वो कर्म क्या है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित करके ये संकेत कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ही पुरुषों में उत्तम हैं। गीता 15:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्मोहित नहीं है वो श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात सभी पुरुषों में उत्तम जान लेता है। ऐसी स्थिति में वो सब कुछ जान लेता है तथा वो श्री कृष्ण का भजन सभी प्रकार से करता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद्गीता में पग पग पर इसी बात पर बल दिया गया है। फिर भी भगवद्गीता के अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं इति। अब चौथा प्रश्न इस श्लोक के अगले शब्द हैं, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अर्थात हे श्री कृष्ण अधिभूत किसे कहते हैं। अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ क्योंकि अधिभूत शब्द के तीन अर्थ हैं। अधिभूत शब्द का पहला अर्थ है वो परमेश्वर जो सभी जीवों से श्रेष्ठ है तथा अधिभूत शब्द का दूसरा अर्थ है ऐसा जीवात्मा जो चेतना के निम्न धरातल से ऊपर के धरातल की ओर जा रहा है। अधिभूत शब्द का तीसरा अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ घटना जो पूर्व काल में घटित हुई हो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया है ये भी पूर्व काल की श्रेष्ठ घटना है तथा संजय इस घटना को याद करके अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। गीता 18:76 में वे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, जब मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आनंद से गदगद हो उठता हूँ। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति अर्जुन तथा श्री कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता इति। तो यहाँ पर अर्जुन जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के आश्रित भक्त उनका भजन करते हुए जिस अधिभूत को जान लेते हैं वो अधिभूत क्या है। अब पांचवा प्रश्न श्लोक के अंतिम शब्द है, अधिदेवम के मुच्यते, अर्थात हे श्री कृष्ण अधिदेव किसे कहते हैं। अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ क्योंकि अधिदेव शब्द के दो अर्थ हैं। अधिदेव शब्द का पहला अर्थ है संपूर्ण देवताओं के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण तथा अधिदेव का दूसरा अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो देवताओं से संबंध रखने वाला है। महाभारत के
वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 55 में वर्णन आता है कि निषद देश के राजा नल में इतने गुण थे कि उनसे इंद्र, अग्नि, यम और वरुण ये चार देवता मिले तथा उन्होंने राजा नल से घनिष्ठ मित्रता की। इस प्रकार राजा नल को भी अधिदेव कहा जा सकता है। राजा नल का व्यवहार इतना पूर्ण था कि उपरोक्त चारों देवताओं ने राजा नल को अपनी ओर से वर दिए। देवताओं के वर के प्रभाव से राजा नल किसी छोटे से छोटे दरवाजे पर जाकर भी झुकते नहीं थे। उन्हें देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊंचा हो जाता था कि उनके मस्तक का उससे स्पर्श नहीं होगा। जिस समय राजा नल खाड़ी घड़े को देखते थे उस समय वो घड़ा जल से भर जाता था। जिस समय वे एक मुट्ठी तिनकों को लेकर सूर्य की ओर करते थे उस समय आग प्रज्वलित हो जाती थी। वे अग्नि के अंदर भी यदि अपना हाथ डालें तो भी वे नहीं जलते थे। इस प्रकार राजा नल को अधिदेव कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के आश्रित भक्त उनका भजन करते हुए जिस अधिदेव को जान लेते हैं वो अधिदेव क्या है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 178 में गीता के इस अध्याय अर्थात 8वें अध्याय के महात्म्य की कथा प्राप्त होती है, जिसमें वर्णन आता है कि दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक नगर में भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत पापी था। एक दिन उसने मदिरा पीने वालों के समाज में भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया, अतः अजीर्ण से पीड़ित होकर वह पापी मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस बनकर कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण वेदों के तत्व का ज्ञाता था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। अपने स्त्री की संगति के कारण इस ब्राह्मण की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कि वो अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ भैंस, कालपुरुष तथा घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु अन्य ब्राह्मणों को दान में मिली हुई एक कौड़ी भी नहीं देता था। यही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। ये दोनों भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए इसी ताड़ वृक्ष के पास आए और इसी के मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पूछा, नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी इति। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है इति। ये सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तन ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना हुई उसको भक्तगण ध्यान से सुने। उपर्युक्त वाक्य गीता के इसी श्लोक का आधा हिस्सा था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वो पापों से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से अनायास ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तब आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक इसी आधे श्लोक को लिखा और काशी में जाकर इसी आधे श्लोक का जप करना प्रारंभ किया। गंगा के तट पर श्री कृष्ण की भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता की 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जाप करते हुए भाव शर्मा भगवत धाम को प्राप्त हुआ तथा उसके वंशज भी जो नरक यातना में पड़े हुए थे भगवत धाम चले गए। ये विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद के शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि अनायास ही मुख से निकलने पर वे दो प्रेत स्वर्ग में चले गए तथा एक वृक्ष अपने ब्राह्मण शरीर में आ गया। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किए ये बहुत
लाभदायक हैं। श्री कृष्ण ने जो कुछ बातें कही, अर्जुन इतने ध्यान से सुन रहे हैं। तो अर्जुन के इन 7 प्रश्नों से हमें पता चलता है कि अर्जुन कितने ध्यान से सुन रहे हैं, और भगवान ने जो जो बातें यथाक्रम जिस क्रम में कही हैं उसी क्रम के अनुसार अर्जुन ने 7 प्रश्न किए। तो अर्जुन के पास जो है इतनी तेज स्मरण शक्ति है कि भगवान जो बताते हैं, तो भगवान ने जो कुछ बताया वो आंधी की तरह है बोल गए, लेकिन अर्जुन कितने जो है एकाग्र हैं, कितने तत्पर हैं तत्पर। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्परता की आवश्यकता है। तो गीता के 4 अध्याय के वो एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम 39वां श्लोक है 4 अध्याय का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया, कि जो तत्पर है और इंद्रियों को संयम करने वाला है और श्रद्धावान है तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन उसी प्रकार से हैं, श्रद्धावान भी हैं और तत्पर भी हैं और संयत इंद्रियां भी हैं। अर्जुन की इंद्रियां भी बहुत संयत हैं। तो अर्जुन के अंदर ये तीनों गुण हैं, इस कारण से अर्जुन जो है भगवान से गीता सुनने के योग्य हैं। तो देखिए कितना आश्चर्य है, अर्जुन ने कितने जो है उसी क्रम में यथाक्रम के अनुसार प्रश्न किए। तो भगवान ने पिछले अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तन्तिये, कि बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए जो मेरे आश्रय में आकर के यत्न करते हैं ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम, तो वे तद ब्रह्म को जानते हैं और कृष्णम अध्यात्मम और संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, और कर्म अधिक अखिलम संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो भगवान ने उस जिस क्रम में बातें बताई कि वे ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, वो कर्म को जानते हैं, तो उसी क्रम में अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। उसके बाद श्लोक संख्या 30 में भगवान ने कहा, साधिभूताधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः। तो साधिभूताधिदेवम माम, तो भगवान ने कहा कि जो मुझे अधिभूत के सहित जान लेता है, अधिदेव के सहित जान लेता है और अधियज्ञ के सहित जान लेता है, तो उसी क्रम में अर्जुन ने प्रश्न किया, अधिभूतम से किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, अधिभूत किसे कहा जाता है और अधिदेव किसे कहा जाता है। तो 7 प्रश्नों में से अर्जुन के जो है 5 प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला प्रश्न है वो ब्रह्म क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है अध्यात्म क्या है, तीसरा प्रश्न हे पुरुषोत्तम वो कर्म क्या है, फिर चौथा प्रश्न है अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिभूत किसे कहा जाता है, फिर अधिदेवम किम उच्यते अधिदेव किसे कहा जाता है। तो अर्जुन के ये जो है 5 प्रश्न इस श्लोक में, अर्जुन के 5 प्रश्न हैं, और अर्जुन जब प्रश्न करते हैं तो श्रद्धावान वो श्रद्धावान है। श्रद्धावान कैसे पता, अर्जुन ने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम से संबोधित किया, तो अर्जुन के अंदर वो श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है, कि श्री कृष्ण ही पुरुषों में उत्तम है और अगर वो मुझे ज्ञान देते हैं तो फिर क्या कमी रहेगी, तो मेरे ज्ञान में क्या कमी रहेगी। अर्जुन इस प्रकार ज्ञान देते हैं, क्षमा कर रहे हैं, अर्जुन इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, कि वो तद ब्रह्म क्या है, और तद ब्रह्म का मतलब क्या है,
हैं जो श्री कृष्ण है, तद ब्रह्म का अर्थ है श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्म नहीं है। अर्जुन ने अहम ब्रह्म नहीं पूछा कि अहम ब्रह्म है क्या है। अहम ब्रह्म का मतलब मैं ही ब्रह्म है, नहीं, तद ब्रह्म का मतलब है श्री कृष्ण, तो वे तद ब्रह्म है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न करके हमारे लिए जो है बहुत बड़ा लाभ का कार्य किया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।